आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन। कटिहार नगर निगम क्षेत्र स्थित राजेंद्र स्टेडियम अब शोभा की वस्तु बन चुकी है। सैकड़ों कुर्सियां यहां पर लोगों के बैठने के लिए लगाई तो गईं, लेकिन अब उसका प्रयोग ना के बराबर हो रहा है, क्योंकि ये सारी कुर्सियाँ बुरे तरीके से टूट गई हैं और विगत कई सालों से इसी अवस्था में हैं। राजेंद्र स्टेडियम में शहरी क्षेत्र के और आसपास के क्षेत्रों के बच्चे और युवा खेलकूद एवं दौड़ की प्रैक्टिस करने आते हैं, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था यहां ना के बराबर है। हल्की बारिश से ही राजेंद्र स्टेडियम जलमग्न हो जाता है, जिससे युवाओं को खेलने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। खेलने आए कुछ युवक बताते हैं कि राजेंद्र स्टेडियम ही शहरी क्षेत्र का एकमात्र फील्ड है। सुविधा के अभाव में यहाँ के बच्चे ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, जिससे उनकी प्रतिभा में कहीं ना कहीं भारी कमी आ रही है। इसलिए वे विधायक, सांसद या जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, उनसे राजेंद्र स्टेडियम के नवनिर्माण को लेकर गुहार लगा रहे हैं। पूर्णिया जिले के बायसी प्रखंड अंतर्गत चरैया NH-31 पर दो ट्रक आपस में टकरा गए। ग्रामीणों ने बताया कि दालकोला से आ रहे सुधा दूध के ट्रक NH-31 पर था। इसी क्रम में पूर्णिया की ओर से एक कचरे से लदा ट्रक आ रहा था। अचानक दोनों ट्रकों की आमने सामने टक्कर लगने से आग लगी और दोनों वाहन धो धो कर जलने लगे। देखते ही देखते पूरे पंचायत के लोग मौके पर इकट्ठा हुए और गांव में डर का माहौल उत्पन्न हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि ट्रक में सवार 3 व्यक्तियों की जलकर मौत हो गई और एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया है, जिसे इलाज के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं सड़क किनारे बनी दुकान भी जलकर राख हो गई है। STET अभ्यर्थियों के समर्थन में आईसा भाकपा माले ने अभ्यर्थियों के साथ अररिया बस स्टैंड में विरोध प्रदर्शन किया और पूरे मामले की CBI से जांच कराने की मांग की। इस दौरान बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। अभ्यर्थियों ने कहा कि STET 2019 की परीक्षा के परिणाम में अनियमितता बरती गई है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश है। भाकपा माले के जिला सचिव रामविलास और आईसा छात्र संघ के नेता मोहम्मद आजाद आलम ने संयुक्त रूप से कहा कि STET 2019 घोटाले का मामला बहुत ही गंभीर है। पहले सरकार ने महज 24,599 अभ्यर्थियों के क्वालिफाई होने की खबर प्रकाशित की, फिर 30,675 और अचानक वे संख्या 72,000 और अब 80,400 बताई जा रही है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि STET 2019 में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। नेताओं ने कहा है कि यदि सरकार द्वारा सफल STET अभ्यर्थियों के हित में सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो आगे आंदोलन को और भी तेज़ किया जाएगा और सड़क से सदन तक लड़ाई जारी रहेगी। किशनगंज के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर वर्ष सीमांचल का इलाका पानी में डूब रहा है, इसके जिम्मेदार CM नीतीश कुमार हैं। उन्होंने कहा कि आज किशनगंज जिले की हजारों एकड़ ज़मीन और किसानों की फसलें नदी में कटकर बह जाती हैं, लोग बेघर हो रहे हैं। वहीं बिहार सरकार द्वारा पहल नहीं करने पर महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट की फंडिंग भी केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। सांसद ने कहा कि कटाव को रोकने के लिए कटाव निरोधी कार्य नवंबर माह से ही सरकार को आरंभ करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार सरकारी राशि का दुरुपयोग कर रही है। सांसद ने बिहार सरकार से मांग की है कि महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए मेरे साथ साथ बिहार सरकार भी केंद्र सरकार से फंडिंग के लिए आवाज़ उठाए, ताकि हर वर्ष बाढ़ की तबाही से सीमांचल के लोगों को बचाया जा सके। 1 जुलाई को कटिहार रोतारा थाना क्षेत्र के रामपुर नहर के पानी में डूबने से एक अज्ञात लड़की का शव मिला था, जिसकी पहचान और मौत की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस की छानबीन में लड़की की पहचान पूर्णिया जिला के रानी पत्रा की रहने वाली राधा कुमारी के रूप में हुई है। दरअसल लड़की के पिता ने 30 जून को राधा को तालाब में नहाने को लेकर फटकार लगाते हुए 2-4 थप्पड़ मारे थे, जिस कारण राधा ने घर में फांसी लगा ली, जिससे उनके पिता डर गए और साक्ष्य छुपाते हुए राधा को ठेले पर लादकर रामपुर नहर में फेंक दिया और उसी रात अपने पैतृक घर बेगूसराय भाग गए। पुलिस ने मामले की गुत्थी सुलझाते हुए घटना में शामिल पिता वीरेंद्र सहनी को गिरफ्तार कर लिया है। कटिहार राजेंद्र आश्रम के प्रांगण में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष विकास सिंह ने की। बैठक में बंद दोनों जुट मिल, निजी विद्यालय, होटल, नर्सिंग होम के कर्मचारियों की समस्या को लेकर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई। अध्यक्ष ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय ESI में कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण बीमित व्यक्तियों के परेशानी को लेकर भी आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बैलवा निवासी एक नाबालिग अपने परिजन के साथ खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर रहा था। छिड़काव के क्रम में नाबालिग युवक 15 वर्षीय अनुज कुमार बेहोश हो गया, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है।
चिकित्सक ने कहा कि कीटनाशक दवाई के कारण नाबालिग युवक की स्थिति बिगड़ी थी। अररिया नगर थाना पुलिस के द्वारा शहर के त्रिशूलिया घाट के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान आने जाने वाहन चालकों से रोककर पूछताछ की गई एवं तमाम लोगों की डिग्गी की तलाशी ली गई। ये सड़क अररिया जिला मुख्यालय को मदनपुर पलासी और कलियागंज से जोड़ती है। प्रतिदिन इस सड़क पर लाखों की संख्या में लोग जिला मुख्यालय आवागमन करते हैं। इस मौके पर नगर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि शहर में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ये सर्च अभियान चलाया गया है, जहां पर वाहन चालकों की तलाशी ली जा रही है। अररिया जिले में जोकीहाट विधायक शाहनवाज आलम ने रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान नदी के तेज बहाव से हो रहे कटाव रोधक कार्य का जायजा लिया। इसी दौरान कुरसेल गांव में बकरा नदी पर हो रहे कटाव रोधक कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। विधायक कटाव रोधक कार्य में हो रही अनियमितताओं को देखकर बिफर गए और मौके से मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों को की। अररिया विधायक आबिदुर रहमान रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नदी से हो रहे कटाव का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वे विधानसभा क्षेत्र के खरिया बस्ती वार्ड नंबर 11-12 समदा बांसवाड़ी गरगददी बलवा टोल महशाकोल मोहनपुर का दौरा किया और स्थानीय लोगों से मिलकर समस्या जानी और जल्द से जल्द बाढ़ व कटाव को लेकर ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया है। बता दें कि मैं मीडिया ने शनिवार को ही आपको खरिया बस्ती से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र अंतर्गत बिशनपुर गांव में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक ही घर में बड़े कोबरा के साथ उसके 42 बच्चे एक एक कर निकलने लगे। मुर्गी के शेड के पास गई महिला ने बड़े कोबरा को अंडे खाते देखा तो उसके होश ही उड़ गए। वे दहाड़ मारकर रोने चिल्लाने लगी। सांप सांप की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग दौड़ आए तो उन्होंने देखा कि वहां बड़ा कोबरा मुर्गी के अंडे खा रहा है। लोग सपेरे को बुलाने के लिए भागे। भवानीगंज से सपेरा आया और कोबरा के साथ 42 बच्चों को भी पकड़ लिया। किशनगंज में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर रविवार को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा प्रभात फेरी का कार्यक्रम स्थानीय मनोरंजन क्लब से निकलन गया। शहरी क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी चौक पर इसका समापन हुआ। किशनगंज प्रखंड क्षेत्र के प्रत्येक इंसान को सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से प्रखंड विकास पदाधिकारी परवेज आलम ने प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड स्तरीय सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक कर अपने अपने विभाग के कार्यों को गुणवत्तापूर्वक समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। कलिम्पोंग और सिक्किम की जीवन रेखा कहे जाने वाले 10 नंबर राष्ट्रीय मार्ग के 29 माइल इलाके में भारी बारिश के कारण रविवार सुबह भूस्खलन होने से यातायात ठप हो गई। रविवार सुबह भूस्खलन के कारण प्रशासन की ओर से सड़क पर यातायात बंद कर दी गई। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले लोक निर्माण विभाग ने भूस्खलन से निपटने के लिए इलाके में क्रंकीट की दीवार बनाई थी। भूस्खलन के कारण ये दीवार भी ढह गई और ये सड़क लंबे समय से अवरुद्ध है। उत्तर दिनाजपुर जिले के गोयाल पोखर के विधायक और राज्य के मदरसा शिक्षा और अल्पसंख्यक विकास मंत्री गुलाम रब्बानी ने रविवार को पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ तृणमूल समर्थकों के साथ विरोध रैली निकाली। विरोध रैली के दौरान पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में मंत्री गुलाम रब्बानी ने कहा कि केंद्र की जनविरोधी नीतियों और पेट्रोलियम उत्पादों पर अत्यधिक उत्पाद शुल्क और कर के कारण इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके विरोध में पश्चिम बंगाल के साथ ही अन्य राज्यों में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार देश नहीं चला पा रही है, इसलिए मोदी सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं किशनगंज से अमित सिंह, अररिया से मेराज खान, पूर्णिया से जेवी मिश्रा, कटिहार से सैयद शादाब और उत्तर दिनाजपुर एवं दार्जिलिंग जिले से रविंद्र यादव। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। Twitter और Instagram पर आप हमसे @ मैं मीडिया हूँ के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।